वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको किन्नौरा का ट्रिप दिखाऊंगा और दिखाऊंगा अपनी बहन को मिलने जा रहा हूँ मैं वहाँ। एक साल से वो वहाँ रह रही थी तो उसका बर्थडे निकल के गया था तो उसको सरप्राइज देना था। टिकट एकदम नहीं हो सकी लेकिन अब जा रहा हूँ, थोड़े ही दिन पहले कराई है। और आज सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मैं अपनी एयरपोर्ट पे हूँ। मनदीप, ये है मनदीप, मैं हूँ अभिषेक। आज का व्लॉग ज़रूर देखिएगा और आज हम उसका रिएक्शन देखेंगे। और शी डजंट हैव एनी क्लू, शी डजंट हैव एनी क्लू, कुछ नहीं पता यही जा। और आप व्लॉग देखिएगा, ये एक नॉर्मल विजिट नहीं होने वाली, उसके काम पर जाऊँगा, सरप्राइज करूँगा। व्लॉग पूरा देखिएगा, बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है। दोस्तों अभी मैं बोर्डिंग गेट पर पहुंच चुका हूं, बहुत ही लंबी लाइन थी लेकिन फाइनली पहुंच चुका हूं। आधे घंटे में फ़्लाइट चलने वाली है, अभी मैं अंदर जाऊंगा। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता था, प्रेरणा जब पहली बार कनाडा आई थी तो मेरे पास आई थी ब्रैम्पटन में, तो उसको एक एक फीलिंग थी कि अपनी फैमिली के पास जा रही है, भाई के पास जा रही है, तो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। लेकिन जब उसको PR के लिए दूसरे शहर मूव होना पड़ा तो आई कुडंट इवन इमेजिन कि उसके मन में क्या फीलिंग्स आई होंगी कि अपने फैमिली भाई को छोड़ के एक ऐसे शहर जहाँ किस कोई भी नहीं जानता था उसको, वहाँ जा रही थी सिर्फ PR के लिए। तो अभी जब मैंने एयरपोर्ट में आया तो मुझे वो फीलिंग्स उसकी अंडरस्टैंड करने को मिली कि वो कितना अकेला फील कर रही होगी उस मोमेंट में, जब उसको ये सारी बातें मन में आई होंगी कि अब वो एक ऐसी जगह जा रही है जहाँ उसे कोई भी नहीं जानता, और एक ऐसी जगह छोड़कर जहाँ उसका भाई उसके साथ था, उसके जानने वाले उसके दोस्त सारे साथ थे। सो प्रेरणा, यू आर अ ब्रेव गर्ल। ऑल्सो प्रेरणा को पता नहीं है लेकिन मनदीप ने उसके बर्थडे के लिए गिफ्ट भेजा है जो इसमें है, आपको दिखाऊंगा अभी, इस चीज़ में है। और आपको ये भी सरप्राइज दिखाएंगे कि प्रेरणा गिफ्ट देकर कितनी खुश होती है। तो गाइज़ मैं विनीपैक पहुंच चुका हूं, ये विनीपैक का एयरपोर्ट है। तो जिन लोगों को नहीं पता, एक्चुअली प्रेरणा जहाँ रहती है किन्नौरा, वो ओंटारियो में ही है लेकिन वहां कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो पहले मैनीटोबा जाना पड़ता है, मैनीटोबा में विनीपैक जाना पड़ता है और फिर वहां से बस लेकर वापस किन्नौरा जाऊँगा, मैं ओंटारियो में जाऊँगा जहाँ किन्नौरा है। 2 घंटे की बस है, अभी मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा है तो वहां से वो मेरे को बस स्टॉप पे छोड़ेगा और वहां से हम चलेंगे किन्नौरा। मेरा दोस्त मेरे को पिक करने आ गया। वधिया वधिया, बधाई हो एक गड्डी दी। तो दोस्तों ये है राहुल, भाई का टिकट मेरा। दोस्तों ये है राहुल, राहुल मेरे को पिक करने आ गया विनीपैग एयरपोर्ट पे। बहुत सारे लोगों का एफर्ट लग रहा है मेरे को मेरी बहन को सरप्राइज देने में, तो अभी राहुल के साथ थोड़ी देर विनीपैग देखेंगे और फिर मुझे ये बस स्टॉप पे छोड़ेगा, फिर आपको आगे का सफर देखने को मिलेगा। मैं कभी ब्रैम्पटन से बाहर निकले हैं, क्यूबेक भी गए, मॉन्ट्रियल भी गए हैं, चलो काफी घूमे हैं, लेकिन ऐसे अकेला मैं पहली बार विनीपैग आया हूँ। विनीपैग पहले मैं कभी नहीं आया था। तो एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा, विनीपैग आज सैटरडे है एंड मैं एयरपोर्ट पे हूँ, ऐसा लग रहा है कि एपोकलिप्स है यहाँ पे, बहुत ही सुनसान लग रहा है। जब मैं एरोप्लेन से भी देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि फ्लैटलैंड्स है नीचे। तो विनीपैग काफी खाली खाली लगता है कंपेयर टू ब्रैम्पटन, अगर आप ऐसे एक पॉपुलेटेड शहर से आ रहे हो तो ऐसा लगता है कि कोई महामारी या कोविड टाइम वापस आ गया, कि कोई बंदा ही नहीं दिख रहा स्ट्रीट्स पे, बहुत कम दिखते हैं। तो ये भी एक नया एक्सपीरियंस है, नहीं तो नॉर्मली ब्रैम्पटन में आपको कोई ना कोई जरूर दिख, मतलब दिख, इतने लोग दिखते हैं हमेशा, हैपनिंग प्लेस लगती है। लेकिन ये काफी स्लो है, अभी देखेंगे और भी एक्सपीरियंस बताऊंगा कैसा लगता है विनीपैग। तो दोस्तों अभी मैं विनीपैग से बस ले रही थी
राहुल ने मुझे छोड़ दिया था बस स्टॉप पे, और वहाँ से मैं कैनोरा जा रहा हूँ, तो अभी किसी गैस स्टेशन पे खड़े हुए हैं। कैनोरा पहुँचने में 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुका हूं कैनोरा आफ्टर टेकिंग 2 hours ऑन द फ्लाइट। बाद में मेरे को 2 घंटे बस के लिए वेट करना पड़ा, फिर 2 घंटे की बस थी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे हॉस्पिटल है कैनोरा का। तो मैं यहां पहुंच चुका हूं, अब मैं वेट कर रहा हूं, मेरा एक फ्रेंड आएगा जिसको मैंने कॉन्टैक्ट किया था, वो मुझे पिक करने के लिए आएगा प्रेरणा के टिम हॉर्टन्स जाना, जहाँ वो काम करती है, जहाँ वो मैनेजर लगी है। तो अभी वहाँ चलेंगे, उसकी वेट कर रहा हूँ मैं। एंड लेट मी टेल यू, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी, बहुत ही सुंदर सिटी है ये, बहुत ही गॉर्जियस है। सो आई हैव मेरे साथ अभी अभिराम है, ही वर्क्स एट द सेम टिम हॉर्टन्स। आई एम सो ग्रेटफुल ही पिक मी अप। And Kenora is such a beautiful city, even in snow. I mean, I cannot even imagine garmiyon mein there must be lots of water and boating around. So, and when I was coming from Winnipeg, I cannot even imagine how much Prerna would have felt alone. You know, leaving her brother and coming to a city where no one knows. I mean, all of you guys, right? Like coming to say, it's such a small city, and she must be feeling alone. I am getting excited as well. So मैंने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, मैंने प्रेरणा को ये बताया था दैट मैं नहीं आ सकता फॉर सम रीजन, फाइनेंशियल रीजन्स। सो लेट्स सी, वी आर एट द टिम हॉर्टन्स राइट नाउ, आई एम गोइंग टू कंप्लेन अबाउट अ कॉफी टू द मैनेजर एंड वी गोना सी हर इनसाइड। लेट्स सी। हेलो, हाय Hi, I ordered a coffee and a bagel and a wrap. It was all cold. I am so pissed off. I'm so disappointed. Can I see the manager? Manager, yeah. Okay, I'll just walk in. I'll just walk in. I'll talk. Is the manager there? Yeah, just a moment. Okay, so everything is planned. Now we're gonna walk in with Abhiram, and we're gonna surprise the fuck out of this girl. दोस्तों हमने कंप्लेंट कर दी है कॉफ़ी बेगल सैंडविच के बारे में, उनके एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैं आ रहा हूँ, और उनने प्रेरणा को बता दिया कि कंप्लेंट है। अभी हम अंदर जाके कंप्लेंट करेंगे, बहुत गुस्से में करेंगे। आई होप शी डजेंट ओके। हम ड्राइव थ्रू से निकल चुके हैं, पार्किंग लगाएंगे, एंड माई हार्ट बीट इज़ गोइंग अप। ओके गाइस, हम अभी अंदर जाने वाले हैं बैक डोर से, एंड वी विल सी। ओके
तो ये था आज का सरप्राइज. एनीथिंग फॉर माई सिस्टर इज वर्थ इट. बट बिफोर वी लीव आई हैव अनदर सरप्राइज फॉर हर विच वॉज दिस बैग. व्हाट इज दैट? लेट्स सी. दिस इज अ सरप्राइज फ्रॉम मनदीप बिकॉज ही कुडंट कम. मनदीप का है. मनदीप ने भेजा. Thank you, Mandeep. I loved it. Beads. Gonna put that up in the gym and rock on. So, ye tha mera travel vlog from Toronto to Winnipeg to Winnipeg to Kenora to Kenora to sister to love. Aur iske saath aapko ab Kenora dikhayenge. Agar ghuma to. Aur thank you. Aise hi vlogs dekhte rahiye. Thank you and bye.